नमस्कार दोस्तों, आज है 2 मार्च और सैटरडे है। तो आज का जो वीडियो है ना, वो कोई मतलब ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन का नहीं है, ना किसी फर्टिलाइज़र का है। टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस पर बात करने वाली हूँ। मैं आज बात करने वाली हूँ जो फ्रेश वाले कोकोनट शेल होते हैं उनके बारे में, जिसको कि नारियल का खोल बोलते हैं। नारियल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो ताजे वाले नारियल की बात कर रही हूँ। जो कोकोनट वाटर हम लोग पीते हैं उसकी, सूखे हुए ड्राई की नहीं बात कर रही हूँ। तो चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने ना इसको अपनी छत के ऐसी जगह पे रखा था, ऐसे कॉर्नर पे रखा था, जहाँ मैं थोड़ा इस टाइप की चीज़ें रखती हूँ, जहाँ मैं थोड़ा मतलब फालतू सामान जो होता है ना। और लेकिन यहाँ पे धूप आती है, इस जगह पे धूप आती है। इस टाइम आज बादल हो रहे हैं, थोड़ा बूंदाबांदी भी रात में हुई है, और इस समय भी जैसे ना बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पता नहीं। तो इसको मैंने रखा था धूप दिखाने के लिए, और आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पर चींटियों का अंबार, देखिए ये लाल लाल चींटियाँ हैं। तो ये इस जगह पर रखा है ना, यहाँ पर इस जगह पर कोई भी मैंने प्लांट नहीं रखा है, कोई गमला नहीं रखा है। मैं डेट और तारीख समय से आपको इसलिए बताती हूँ ना, क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है प्लांट की ग्रोथ का होता है। प्लांट की ग्रोथ होती है ना, जब डॉर्मेंसी के बाद परमानेंट प्लांट की जो ग्रोथ होती है, तो उसमें क्या होता है कि कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, फंगस, कीड़े, ये सारी चीज़ों का। चींटियाँ भी क्या होता है कि सब अपना बहुत सारी एकदम से होने लगती हैं। इस वजह से मैंने इनको दूर रखा था। मुझे थोड़ा अंदेशा था कि मैंने यही सोचा था मैं इनमें प्लांट लगाऊंगी, ठीक है, प्लांट लगाऊंगी। और इधर मतलब मैंने कल 2 दिन से मैंने यही सोचा कि मैं इसको फेंक दूंगी, मैं कोई प्लांट नहीं लगाने वाली इसमें। पर मुझे लगा कि आप लोग मेरे जो वीडियोस को ना रेगुलर देखते हैं, रेगुलर वॉच करते हैं, मैं जो भी फर्टिलाइज़र देती हूँ आप उसका वीडियो, मतलब हर चीज़ को आप देखते हैं, समझते हैं। तो एक हम लोग एक फैमिली की तरह है, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करूं कि मैं इसको क्यों फेंकने वाली हूं। तो देखिए, घर मंगाती थी मैं, घर आता था कोई, मैं वहां जाके नारियल पानी, बाहर जाके, ऐसा नहीं था कि बाहर जाके पी रही हूं और उसके बाद वो उसके नारियल के शेल को घर लेके आ रही हूं, ऐसा नहीं था। घर ही मंगा रही थी और घर में आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो इस पर देखते हैं प्लांट लगा के। अब उसमें ना इतनी चींटियाँ हो गई। इस टाइम पे वैसे ही गार्डन में इतना सारा काम है, और मैं नहीं चाह रही थी कि कोई और झमेला उसमें, और मतलब इसी वजह से उसको थोड़ा मैंने अलग रखा था। अब देखो इतनी चींटियाँ सब हो गई हैं। अच्छा, ये आपको बता दूँ, ये चिया सीड्स जो होते हैं ये उसके फूल हैं। इस समय ना धूप बिल्कुल नहीं लगी, ये सारे उसके फ्लावर्स हैं। तो जब मैं मंगा रही थी, मैंने सोचा पहले जब खाली हो जाता है अच्छे से, मैंने इसको, मैं आपको पता है ऐसे करके दिखा भी नहीं रही हूँ, इतना वो गंदा हो रखा है ना अंदर से, इतना उसमें इतना फंगस हो रहा है। ये देखिए अंदर ना, मतलब पूरा ये इतना हिस्सा मैंने कट कर दिया था और मैंने साफ़ कर दिया था, मतलब पानी से ही किया था, और थोड़ा सा बस हल्का सा कुछ जैसे सर्फ वर्फ वैसा कोई चीज़ डाल के बहुत ही हल्का सा कर दिया था। और अब मैंने ना जब फेंकने का सोचा, बहुत गंदा हो रहा है। मैं इधर एक्चुअली में धूप भी नहीं निकली है, ये देखो इसकी हालत, तो ये देख रहे हैं अभी थोड़ा सा हल्का सा दिख पा रहा होगा। तो मैंने इसको धोया वोया और धो करके, पहले तो ऐसे रखा था धूप में कि चलो जो है अच्छे से अंदर सूख जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, बारिश हो, एक दिन हो गई थी, कई दिन की बात हो गई, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने इकट्ठा कर लिए थे। ये देखो ना, बहुत सारे इकट्ठा कर लिए थे। तो ये देखो कितना गंदा हो रखा है, बाप रे, ये देखो ना। तो पहले मैंने सीधा रखा कि ये सूख जाए, नहीं, फिर बारिश का पानी और गीला हो गया, इसमें पड़ गया। फिर मैंने इसको पलट के रखा तो यहाँ हमारी चींटियाँ ढेर सारी हो गई। तो मैंने फिर यही अपना मन बना लिया था कि फेंकूंगी, और मुझे लगा कि बस भाई कूड़ा वाला भी तो यही बोलेगा ना, आप कितना ढेर सारा कूड़ा है कि वो ये इकट्ठा कर रखा है, तो मतलब इसको जो हटाना है, और आप लोगों को बस बताना भी था, आप लोगों से पूछना भी था कि क्या आप लोगों ने इसमें प्लांट कभी लगाया है, और लगाने के बाद वो सक्सेस रहा है तो किस तरीके से लगाया, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में।
क्योंकि मैं फ़िलहाल तो इसको फेंकने वाली हूँ, मैं नहीं रखूँगी। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, मुझे लगा कि बताऊँ आप लोगों से, ये देखिए ना क्या हालत हो रही है। मैं इसीलिए दिखा नहीं रही हूँ, मुझे इतना खुद से बहुत बुरा लग रहा है इसको देख के। एक चीज़ और पता है मुझे बहुत बुरी लगी, मैंने जब सोचा कि मैं इसको हटा दूँ फेंक दूँ, तो मैंने एक बार सोचा कि चलो यूट्यूब पे देखते हैं, एक आध वीडियोस देखते हैं कि कैसे लोगों ने लगाया है। मैं क्या ही बोलूँ, बस इस मामले में क्या बोलूँ, बस बोलना ही नहीं, मन ही नहीं करता बोलने का। भैया वो उन लोगों ने लगाया है प्लांट, जस का तस लगा दिया है ऐसे ही। ये तो चलो मैं सोच रही थी सुखा दूंगी और ठीक है, एक रियल सा नेचुरल लुक आ जाएगा, कोई बात नहीं, ब्राउन कलर का ऊपर से हो भी जाएगा, फिर भी हम इसको DIY करके, इसमें पेंट वेंट कुछ भी करके करें, नहीं भी करें तो भी एक नेचुरल लुक लगेगा। सूखे तो पहले अंदर का मामला तो यहाँ सही हो, अंदर का मामला ही इतना गंदा है तो क्या है फिर, तो प्लांट को तो खा जाएगा ये प्लांट, तो क्या ही इसमें चलेगा, इसमें कितने टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद आपका प्लांट ख़राब होगा, उसके बाद इसमें होगा वो पूरी मेहनत ख़राब होगी। भैया इस समय मेरे पास तो ना इतना समय है, ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मेरा मेरे प्लांट मेरे मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं नहीं लगवाने वाली इसको, मैं फेंक नहीं हूँ, आप मुझे बताना ठीक है। तो मैंने देखा था भैया उसमें यूट्यूब पे धड़ाधड़ प्लांट उसमें लगाए पड़े हैं, और उसके बाद नीचे वाह 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 क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने इन्फॉर्मेशन दी कर करके। मैंने कहा वाह वाह, सच में खूब चल रहा है कार्यक्रम, चलो ठीक है। तो मैं फेंक रही हूँ फाइनली, अब इसको मैं हटा रही हूँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मुझे बताइएगा, तो फिर अगर आपने कोई तरीका अपनाया हो इसको यूज़ करने का मुझे बताइएगा, मुझे लगेगा कि अच्छा है आपका सक्सेस रहा तो मैं भी वैसे ही ट्राई करूँगी, उसी तरीके से कोशिश करूँगी। ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये एक बार नारियल का ये शेल इकट्ठा हुआ फिर नहीं होगा। ठीक है, तो चलते चलते मैं एक किसी का कमेंट मेरे पास आया था कि इसके कॉस्मस के सीड हम कब तक छोड़े, मतलब इसके ऊपर ये फूल हमें अगर सीड कलेक्ट करने हैं तो कब तक हम उसको, जैसे अभी तो पिंच वो करती जा रही हैं तो कब तक छोड़े। तो देखिए ये आपके यहाँ पे डिपेंड करता है, हमारे यहाँ तो धूप तेज़ हो रही है, जैसे ये देखो इसमें बनने लगे हैं सीड, मैं अब इतने ज़्यादा फूल निकल रहे हैं ना तो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है कि ये देखो गीली हो गई, बारिश मैंने बोला ना हल्की सी नमी हो गई, और अगर हम नहीं इसको हटाते ना इस सीड पॉट को इसको, तो ये अपने आप गिर जाते हैं ज़मीन में, पूरा फैल जाते हैं, यहीं पे ही गिर जाएंगे। तो आप देख लीजिए ना, आप उन्होंने बोला 15 फरवरी से फूल आना शुरू हुए हैं, तो अरे थोड़ा और इन्जॉय करिए, अभी क्या ही, अभी आज क्या 2 ही मार्च तो हुआ है, थोड़ा रुक जाइए फिर अपना हटा दीजिए। मैंने तो काफ़ी टाइम से इसमें फूल आ रहे थे तो मैंने फिर चलिए ठीक है। मैंने तो दोस्तों सिंगल पेटल डहेलिया लगाया था, ये देखिए मेरे नेबर के यहाँ, आप देखो कितना सुंदर सुंदर रेड कलर के, रेड और डार्क मजेंटा मजेंटा कलर के डहेलिया खिले हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने तो इस बार सिंगल ही लगाया था। चलो भाई ठीक है, ठीक लगता हो मेरा वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।